राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम हाउस में कानून व्यवस्था की बैठक शुरू हुई है। बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके, इस पर सतत नजर रखें। साइबर अपराध पर निरंतर कार्रवाई करें। प्रदेश पुलिस के द्वारा विगत दिवस अच्छी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। नक्सल के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई पर भी विशेष तौर पर प्रशंसा की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी। निर्देश दिए कि ऐसी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। विगत दिनों त्योहारों पर पुलिस की मुस्तैदी और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होने पर भी बधाई दी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं। अतुल, लॉ एंड ऑर्डर की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक के अंदर गृह मंत्री और डीजीपी, एडीजीपी इंटेलिजेंस और प्रमुख सचिव और गृह ओएसडी मुख्यमंत्री अंशु सिंह उपस्थित हैं। देखिए, कई तरीके के पहलू पे इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से विगत दिनों जो त्योहार गुजरे हैं, उन त्योहार में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक भाईचारे की जो मिसाल पेश की है और पुलिस की जो कानून व्यवस्था चौक चमन की, उसको लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम पुलिस कर्मियों की को बधाई दी है। इसके साथ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से आते बंद कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तमाम अधिकारियों को यही निर्देश है कि किसी भी हाल में जो प्रदेश में अब कहीं भी अवैध दारू ना बिके, उसको लेके सख्त जो है निगरानी रखी जाए और इसी कहीं पे भी जगह चिन्हित की जाए जहाँ से अवैध शराब बिक रही है, उनको जो है पूरी तरीके से बंद करवा दी जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस तरीके से बुरहानपुर में भी अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी, सेवा की उस कार्रवाई को लेकर भी सीएम हाउस में जो बैठक चल रही है उसके अंदर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो अधिकारी अतिक्रमण हटाने में जो भावित थे उन तमाम अधिकारियों की साफ तौर पर तारीफ करते हुए नजर आए। साथ में इस तरीके से नक्सल के खिलाफ बालाघाट में तमाम पुलिसकर्मियों द्वारा और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेके भी निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तारीफ करते हुए नजर आए। हालांकि सीएम शिवराज ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर उसके ऊपर खासा नजर रखा जाए और किसी भी हाल में नक्सल और तमाम जो दूसरे ऐसे जो संगठन है जो कहीं ना कहीं समाज में जो है आतंक फैलाने का काम करते हैं, उन तमाम संगठनों के ऊपर नकेल कर दी जाए और मध्य प्रदेश में उनमें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। इसके साथ में साइबर अपराध भी काफी अहम विषय रहा है शिवराज जी आज की बैठक में, क्योंकि नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।